व्हाट्सअप गाइस, पोकेमोन गेमिंग की एक और न्यू वीडियो में तुम लोगों का स्वागत है। ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो गाइस। आप लोगों ने इस वीडियो के लिए बहुत कमेंट किया कि हम एडवेंचर जर्नी में लेजेंडरी पोकेमोन कैसे पाएं, सुप्रीम पोकेमोन हमें कैसे मिलेगा एडवेंचर जर्नी में। और आप इतने सारे कमेंट करो और मैं वीडियो ना बनाऊँ, ऐसा कभी हो सकता है? तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको एडवेंचर जर्नी में लेजेंडरी पोकेमोन कैसे मिलेंगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल पाँच तरीके मैं आपको बताऊँगा जिससे आपको लेजेंडरी पोकेमोन मिल सकते हैं। गाइस, अगर आप लोगों ने अभी मेरे को इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाओ फॉलो करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। गाइस, इस वीडियो का लाइक एम है 15। आई होप आप जल्दी जल्दी कम्प्लीट कर दोगे। तो गाइस, जो सबसे पहला तरीका है लेजेंडरी पोकेमोन मिलने का एडवेंचर जर्नी में, वो है कि आपका मैप, आप अगर अपना मैप चेकआउट करोगे, अगर आपके एरिया में कोई लेजेंडरी पोकेमोन होगा तो आपको अपने पोकेडेक्स में दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप जाके पोकेमोन वर्ल्ड पे क्लिक कीजिए तो जैसा कि आप देख सकते हो, एलेक्स फॉरेस्ट में ये है पॉलीगोन जेड और रायकू भी है। और जैसे कि आपको पता है, रायकू एक सुप्रीम पोकेमोन है। रायकू मेरे को मिलेगा म्यून टाउन में। तो गाइस, मैं म्यून टाउन में ही हूँ। म्यून टाउन में गाइस एक मैं ट्रिक बता दूँ, अगर आपको कोई लेजेंडरी पोकेमोन म्यून टाउन में दिखता है तो प्लीज़ जाके ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि म्यून टाउन में सिर्फ एक ही जगह घास है। और गाइस, ये मैं क्लियर एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ प्रूफ के लिए कि मेरे को लेजेंडरी पोकेमोन मिला था यहाँ पे। ये जो तरीका है ये काफ़ी मतलब कि लक पे डिपेंड करता है आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैप पे भी आपको दिख जाएगा लेजेंडरी पोकेमोन। तो आप बढ़ते हैं सेकंड तरीके की तरफ। तो गाइस, जो सेकंड तरीका जिससे आपको लेजेंडरी पोकेमोन मिल सकता है वो हम सबको पता है, वो है गैसेपॉन। आपको गैसेपॉन से लेजेंडरी पोकेमोन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और ये सबसे सही तरीका है मेरे ख्याल से कि आपको लेजेंडरी पोकेमोन मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, 3 times टू गेट ए लेजेंडरी पोकेमोन। 3 बार अगर मैं कॉइन ड्रॉ करूंगा तो चांस है कि मेरे को लेजेंडरी पोकेमोन मिलेगा। तो आपको मैं प्रूफ के लिए मैं अपना लेजेंडरी पोकेमोन भी दिखाऊंगा। वेट, मैं आपको अपने प्रूफ के लिए मैं अपना पालकिया दिखा देता हूँ जो मेरे को गैसेपॉन से मिला था। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे को पालकिया है मेरे पास जो गैसेपॉन से मिला था। तो अब बढ़ते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तो गाइस, जो तीसरा तरीका आता है हमारे लिस्ट में वो गैसेपॉन से रिलेटेड है। अगर आपने गैसेपॉन से बहुत ज़्यादा कॉइन ड्रॉ कर चुका है तो आपको ये टिकट मिले होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे बाजू में 156 टिकट है। तो गाइस, आप इनका यूज़ करके भी लेजेंडरी पोकेमोन बाई कर सकते। वेट, मैं आपको शो करता हूँ। आप टिकट पर क्लिक करना तो आप यहाँ शॉप पर आ जाओगे और जो नीचे है पॉइंट पोकेमोन। तो गाइस, आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर आपको लेजेंडरी पोकेमोन मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास उतनी टिकट है तो आप बाई कर सकते हो। और अगर आपने गैसेपॉन का यूज़ बहुत बार किया तो आपके पास काफ़ी टिकट होगी, तो आप यहाँ से बाई कर सकते हो। और मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि हेराक्रॉस कैसे मिले, तो ब्रो तुम यहाँ से हेराक्रॉस ले सकते हो अगर तुम्हारे पास इतनी टिकट है। तो देख सकते हो हेराक्रॉस। और मेरे को गाइस ज़्यादा टाइम नहीं हुआ खेले हुए इस गेम को, तो मैंने ड्रिटर्नी बाई किया है। मेरे पास 158 टिकट पहले थे तो मैंने ड्रिटर्नी बाई कर लिया था। एंड यही था हमारा तीसरा तरीका। तो अब गाइस बढ़ते अपने चौथे तरीके की तरफ। तो गाइस, लिस्ट में जो हमारा फोर्थ वे आता है जिससे हमें लेजेंडरी पोकेमोन मिल सकता है, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट तरीका है। ये मतलब कि अगर आप पूरा 1 साल खेलते हो ना पोकेमोन एडवेंचर जर्नी, तब जाके आपको मिल सकता है। आप सीपी पे क्लिक करना। सीपी पे क्लिक करने पे जो लास्ट है आपको देख सकते हैं, लेटियोस दिख जाएगा। ये जो कॉइन्स है इनसे आपको लेटियोस मिल जाएगा। तो ये गाइस काफ़ी मुश्किल है, अगर आप 1 साल से लगातार खेल सकते हो तभी हो पाएगा। और अब बढ़ते गाइस लास्ट तरीके की तरफ। गाइस, ये जो फाइनल तरीका है जिससे आपको लेजेंडरी पोकेमोन मिल सकता है, एंड आई होप आप सबको मिला होगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को नहीं मिला है, वो है 7 day लॉगिन। गाइस, हाँ गाइस, अगर आप 7 day तक लॉगिन करते हो इस गेम में तो आपको लेजेंडरी बर्ड में से एक चूज़ करने को मिलेगा, या तो मोल्ट्रेस, या तो जैब्रोस, या आर्टिकुनो। बट अनफॉर्चुनेटली मैं चूज़ नहीं कर पाया। तो गाइस, यही 5 तरीके, आप मेरे को कमेंट कर बताओ आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।